ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे थे। भगवान कपिल जो बता रहे हैं, वो कह रहे थे जो प्राणी हमारे से ऊपर हैं अपनी चेतना में, उनका हमें मान करना चाहिए। जो प्राणी चेतना में हमारे से नीचे हैं, उनके लिए दान करना चाहिए। और जो हमारे बराबर के हैं, उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भक्ति का अंग माना जाता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि आत्मा शरीर के अंदर में और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं है। इसका खंडन भगवान इस श्लोक के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो क्लियर अंतर बता रहे हैं कि हमारा व्यवहार अलग अलग प्राणी के साथ में किस प्रकार से होना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे से ऊपर है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में भगवान अच्युत हैं। अपने स्थान से भगवान कभी नहीं गिरते हैं, इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। हम जो जीव हैं, जब भगवान की सेवा में लगे हैं तो हम अपने ओरिजिनल स्थान पर हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा छोड़ करके हम अपनी इंद्रियों की सेवा में लग जाते हैं तो हम अपने स्थान से गिर जाते हैं, हम अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। इसलिए हमें च्युत कहा जाता है, भगवान को अच्युत कहा जाता है। तो ये जो कुछ लोग हैं, देखिए इनकी धारणा क्या है, ये क्या सोचते हैं, नहीं आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वही परमात्मा अनेकों प्रकार के रूप लेता है। परमात्मा ने मनुष्य का रूप ले लिया है, और कुछ प्राणियों में परमात्मा ने सुअर का रूप ले लिया है, परमात्मा ने कुत्ते का रूप ले लिया है, बिल्ली का रूप ले लिया है। इसलिए ये जो लोग हैं, कई बार ये क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं, अरे भाई तुम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा क्या कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता है सड़कों के ऊपर इतने सारे दरिद्र नारायण हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करो। देखिए, हमने तो कहीं पर भी ये शब्द नहीं सुने हैं। पूरे वेदों के अंदर में भगवान को वैकुंठ नारायण बताया गया है, भगवान को लक्ष्मी नारायण बताया गया है, लेकिन आज तक हमने तो वेदों में कहीं पर भी ये शब्द नहीं देखे कि दरिद्र नारायण भी होता है। मतलब नारायण वैकुंठ लोक को छोड़ करके भौतिक संसार में भिखारी बन गया है, दरिद्र बन गया है। ये भगवान के ऊपर बड़ा अपमान है, इसको हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आज के जो हम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा हम स्वयं समझ सकते हैं कि आत्मा में और परमात्मा में भेद है, दोनों में अंतर है। कैसे समझ सकते हैं, देखिए भगवान कपिल क्या बता रहे हैं। भगवान कपिल बता रहे हैं कि कुछ आत्मा
उन्होंने जिस प्रकार का शरीर ग्रहण किया है, जिसमें उनकी चेतना अभी उसका विकास नहीं हुआ है, जो जो आत्मा जिस शरीर में है उनकी चेतना अभी लो है, अभी जो है न्यूनतम है, उनके लिए हमें दान करना चाहिए। और जिनकी चेतना विकसित है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, उनका मान करना चाहिए। और जो हमारे बराबर हैं उनका संग करके उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए। तो इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग आत्माएं अलग अलग स्थिति पर हैं इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के कारण। परमात्मा भगवान बता रहे हैं कि सबके हृदय में विराजमान है, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो ये इसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, आत्मा शरीर के वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है, परमात्मा कभी प्रभावित नहीं होते हैं। परमात्मा अगर एक सुअर के हृदय में भी बैठे हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान फिर भी अपने वैकुंठ लोक में हैं। भगवान सुअर के हृदय के द्वारा, उसके वातावरण के द्वारा, उसकी कॉन्शियसनेस के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ हमें समझना चाहिए। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे, दान किसके लिए देना है और किस प्रकार का दान देना है, मित्रता किसके साथ में करनी है और मान किसका करना है। तो ये भगवान कपिल ने पहले भी बताया था, जो महात्मा गण हैं उनका मान सम्मान हृदय के साथ में और उपासना भी करनी है। और भगवान ने यहाँ तक भी बताया था, आचार्य माम विजानीय, जो आचार्य होते हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, जो भक्ति में सुपीरियर हैं, जो भक्ति में अग्रणी हैं, जो हमारे से ऊपर हैं, वो पूजनीय है हमारे लिए, उनका मान सम्मान हमें हृदय के साथ में करना चाहिए। जो हमारे से नीचे हैं उनका मान सम्मान हमें बस अपनी भावनाओं के साथ में करना चाहिए, ना तो उनके साथ में मित्रता करनी चाहिए, उनको केवल दान देना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बोलेंगे कि प्रभु जी आपने तो क्लास में बताया था कि सभी जितने भी प्राणी हैं सबका सम्मान करना चाहिए, बराबर देखना चाहिए। तो कल से ऐसा मत कीजिएगा कि भाई जंगल में जा कर के मैं देखूं कि भाई ये जो शेर है इसके अंदर में भी परमात्मा विराजमान है, इसका भी मुझे सम्मान करना चाहिए, और मैं जा कर के दंडवत प्रणाम करूं एक शेर को, और शेर क्या करेगा, वो तो भूखा रहेगा तो हमें अपना शिकार बना लेगा। तो भगवान देखिए कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन बिहेवियर उनके साथ में अलग अलग होना चाहिए, हमारा व्यवहार उनके साथ में अलग अलग होना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में जिनकी चेतना आगे बढ़ चुकी है उनका मान सम्मान, उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो चेतना में हमारे बराबर हैं उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। टाइगर के साथ में, लायन के साथ में, शेर के साथ में, कुत्ते के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनके लिए दान है, ऊपर वालों के लिए मान है, और जो हमारे बराबर हैं उनके लिए मित्रता है। तो अब देखिए, मान सम्मान हो गया, जो हमारे सुपीरियर हैं, जो हमारे बराबर के हैं उनके साथ में मित्रता हो गई। मित्रता में हम लोग क्या करते हैं, बोधयन्ते परस्परम, हम जब आपस में संग करते हैं, आपस में बैठेंगे, रामायण महाभारत इनकी ही तो चर्चा करेंगे, यही भगवान कह रहे हैं, बोधयन्ते परस्परम, आपस में जो है मेरे बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। और जब हम महात्माओं का मान करेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिस प्रकार से नारद मुनि ने जब वो दासी पुत्र के रूप में थे उन्होंने महात्माओं की सेवा की, उसके द्वारा क्या हुआ ये सबसे बड़ा सीक्रेट है,
महात्माओं की सेवा के द्वारा हमारे विमुक्त द्वारम, हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो ये दोनों हो गया। अब भगवान ये बता रहे हैं कि जो हमारे चेतना में जो हमसे नीचे हैं उनके लिए दान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बताया जाता है कि बहुत सारे साधुगण संतगण जो जंगलों में बैठ करके भगवान की तपस्या में लगे हैं, वहां पर अनेकों प्रकार के प्राणी होते हैं, तो ये महात्मा संतगण क्या करते हैं, वहां पर भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में दान करते हैं इन प्राणियों के लिए। आज भी आप देखेंगे जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए ये बताया जाता है कि सभी प्राणियों के लिए उन्हें जो है भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले हमें भी खाना चाहिए, और बचा हुआ भगवान का प्रसाद जो है इस प्रकार से हमें जो है बड़े पैमाने पर लोगों को बांटना चाहिए। दो लोगों के लिए, एक उन मनुष्यों को भी जिनकी चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, उनके साथ में मित्रता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए दान करना है। और दान कौन सा करना है, कपड़े दान करना, ये दान करना, ये कोई बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है अगर हम उनकी चेतना को आगे बढ़ा पाए तो भगवान के प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इसलिए आचार्यगण यही बताते हैं, मंदिर का मतलब ये नहीं भगवान की विग्रह रख ली और भगवान, इसको कहते हैं ठाकुर बारी। ठाकुर बारी मतलब ठाकुर को दिखा करके हम जो है पैसे कमाएं और अपना पेट भरें, ये मंदिर का मतलब नहीं है। मंदिर का मतलब है दान, मतलब जो मांस है, जो लोग हैं, जो अनेकों प्रकार के अंधकार में हैं, जिनकी चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, उन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। भगवान को प्रेम से भोग लगा करके अगर व्यक्ति लोग भगवान के झूठन को खाएंगे, भगवान ने जिसको चख लिया है उसे प्रसाद कहते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो देखिए ये सबसे बड़ा मंत्र है। ये क्या है, अगर हम किसी का झूठन खाएंगे उसकी बीमारी हमें आ जाती है। अगर किसी को कोरोना वायरस की बीमारी है, अगर आप उसका झूठा खाएंगे आपको भी वो बीमारी आ जाएगी। अगर हम भगवान का झूठन खाएंगे जिसे प्रसाद कहते हैं, तो हमें भी भगवान के गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान सत चित आनंद विग्रह है, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है सभी मंदिरों में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए प्रसाद का वितरण होना चाहिए। तो ये दान की प्रक्रिया है, इसे दान बताया जाता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है शिवानंदा सेन का। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े महान भक्त थे और देखिए बड़े करुणामयी थे सभी जीवों के लिए। एक दिन क्या हुआ, वो जब भक्तों के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, तो एक कुत्ता जो है उनके साथ साथ में भजन कीर्तन सुनते सुनते वो भी जो है साथ साथ में जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें अब नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए वो कुत्ता भी आकर के जो है उनके साथ में नदी पार करके उनके जो है सत्संग में रहना चाहता था, लेकिन जो नाविक था उसने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम जितने भी मनुष्य लोग हो तुमको तो मैं नाव में बिठा लूँगा, ये कुत्ते को मैं नाव में बिठाने वाला नहीं हूँ। तब शिवानंदा सेन ने अपनी तरफ से बहुत अत्यधिक, एक व्यक्ति का टिकट अगर मान लो 10 रुपये था तो उन्होंने 100 रुपये दे करके उस नाविक को, उस कुत्ते को भी जो है नाव में बिठाया।
और उसके ऊपर बिठाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने जो ग्रहण किया था प्रसाद, उसका वितरण उन्होंने इस कुत्ते को भी किया। और स्वयं भगवान जो हैं, अपने मुख से खाने के पश्चात में महाप्रभु ने इस कुत्ते को भी जो है प्रसाद वितरण किया। कुछ समय के पश्चात में इस प्रकार से देखने के बाद ये कुत्ता जो है अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गया, विलीन हो गया। और सभी भक्त वहां पर देख पाए कि भगवान के नारायण दूत वैकुंठ धाम से आकर के उस कुत्ते को वैकुंठ धाम लेने के लिए आए थे, उसकी आत्मा को। मतलब एक नीच प्राणी भी जिसने कुत्ते का शरीर धारण किया है अपने पाप कर्म के द्वारा, इस प्रकार के प्राणी को भी दान के द्वारा, भगवत प्रसाद के दान के द्वारा उसका भी हम उद्धार कर सकते हैं। तो भला अगर एक इस प्रकार के प्राणी का उद्धार अगर हम लोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इतने सारे मनुष्य जो धरती के ऊपर हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जो लोग जिनका जन्म हुआ है वो कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, भारत भूमि ते जन्म होई लो यार। जिस जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म हमें सार्थक करना है भगवान की भक्ति के द्वारा, करो परोपकार और दूसरों का भी उपकार करना है। कौन सा उपकार करना है? भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, ये उपकार तो कोई भी कर लेता है, ये तो टेम्परेरी है, एक दिन सब चला जाएगा। उसका परोपकार अगर आप उसको आध्यात्मिकता में प्रगति दे दें, अगर उसके जड़ से सारे कष्ट मिटा दें, उस जीव को इस भौतिक कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वही सबसे बड़ा परोपकार है। तो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं और भगवत प्रसादम, इनके द्वारा दान करके हमें सभी जीवों का उद्धार करना है, यही भगवान कपिल बता रहे। और अब आगे के श्लोकों में भगवान जो हैं, कौन से प्राणी उच्च हैं, कौन से प्राणी नीच हैं, और किस प्रकार से इनका अलग अलग प्रकार से सम्मान करना चाहिए, उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।